जब भी हम सोचते हैं ना कि चलो वेट लॉस करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो सबसे पहले याद आ जाता है वो बोरिंग सा खाना। लेकिन कितना अच्छा हो अगर कि हम वेट लॉस के लिए डाइटिंग कर रहे हैं, साथ ही हमें टेस्टी खाना खाने मिल रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिविटी एंड टेस्ट हिंदी। आज मैं बना रही हूँ मूंग दाल और पालक का चीला। ये ब्रेकफास्ट की रेसिपी है, आप इसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही ले सकते हैं। लंच और डिनर में इसे आप अवॉइड करें। साथ ही इसमें कुछ हेल्दी चीज़ें हम ऐड करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेगा और बहुत ही जल्दी बन जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी कटोरी हरी मूँग दाल ली है, ये अक्खी मूँग दाल है। इसे मैंने एक रात के लिए भिगो के रखा था पानी में। जब भी आप दाल भिगोएं तो एक रात के लिए भिगो के रखिए, इससे दाल बहुत ही अच्छी भीग जाती है, साथ ही हमारी रेसिपीज जो हैं वो बहुत ही अच्छी बनती हैं। तो दाल यहाँ पे भीग गई है, अब टाइम है इसे 2 से 3 बार धो लेने का। तो इसे मैं सबसे पहले धो लेती हूँ। तो दाल धोने के बाद इसे ब्लेंडर में हम अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। और आधा कप मैं यहाँ पर पानी ले रही हूँ, ये जो कप है वो चाय का कप है। तो अच्छी तरह से इसे ब्लेंड कर लिया है, इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए, इस तरह से होनी चाहिए। तो एक बड़े से बर्तन में पहले निकाल लीजिए, स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, 2 चुटकी ले लेंगे हींग, साथ ही 2 चुटकी लेंगे काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही ले लेंगे आधा चम्मच अजवाइन, हरी मिर्च डाल दें, और आधी कटोरी यहाँ पे मैंने लिया है पुदीना, बारीक काट के अच्छी तरह से धो लीजिए। साथ ही आधा टमाटर जितना हो सके बारीक काट लें। कच्चा आम यहाँ पे लिया है, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके बिना बना सकते हैं। एक ले लीजिए प्याज, जितना हो सके बारीक काट लें। एक कटोरी लेंगे हम पालक, अच्छी तरह से धो के बारीक काट लीजिए। साथ ही कसूरी मेथी डाल दें, या फिर आप हरा धनिया बारीक काट के डाल सकते हैं। आधा चम्मच ले लीजिए लहसुन और अदरक का पेस्ट। सबसे पहले सारे मसालों को हम अच्छी तरह से मिला देंगे, और मसाले मिलाने के बाद हमारा ये जो बैटर बनके बिल्कुल तैयार है चीला बनाने के लिए। तो देखिए इस तरह से कंसिस्टेंसी रखिए, इससे ज़्यादा पतला ना करें, ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखें। तो चलिए चीला बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी तवा गरम कर लिया है, 1 चम्मच तेल इस पर मैं अच्छी तरह से फैला देती हूँ। तेल ज़्यादा यूज़ ना करें, 1 चम्मच तेल आप यहाँ पे ले सकते हैं, नॉर्मल रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, या फिर ऑलिव ऑयल भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच इस तरह से बैटर लेके फैला दीजिए, जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से हल्के हाथों से फैलाते हुए चीला बन गया है ये। तो इसे हम फुल आँच पर सेक लेंगे। तो चीला जब भी आप सेकिए फुल आँच पर सेकिए, क्योंकि ये काफ़ी थिक होता है, तो इसे सिकने के लिए हीट जो है वो हाई फ्लेम पे होना बहुत ही ज़रूरी होता है। बीच बीच में इसे पलटते हुए सेक लीजिए दोनों तरफ से अच्छी तरह से। तो हमारा यहाँ पे एक चीला बनके बिल्कुल तैयार है। तो इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ सर्व करने के लिए। और इसी तरह से मैंने दूसरा चीला भी यहाँ पर बना लिया है। आप चाहें तो चीला को दही के साथ सर्व कर सकते हैं। साथ ही मैंने डाइट की बहुत सारी चटनी अपलोड की है, आप वो चटनी बना के उसके साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। चीला ये आप ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, 2 चीला आप यहाँ पे खा सकते हैं अगर आप मीडियम साइज़ का बना रहे हैं तो, और अगर बहुत ही छोटे चीले आपने बनाए हैं तो आप 3 चीला यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आप ना खाएं और इसे सिर्फ ब्रेकफास्ट में ही लें। लंच और डिनर में इसे टोटली आपको अवॉइड करना है। तो ये काफ़ी टेस्टी है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है, तो डाइट करने में आपको बोरिंग बिल्कुल नहीं लगेगा। तो मेरी डाइटिंग की रेसिपी, वेट लॉस की रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिए। तो चलिए दूसरा चीला बन गया है, मैं सर्व कर देती हूँ दही के साथ, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है तो मुझे दही बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं दही प्रेफर करती हूँ। आप चाहें तो चटनी के साथ भी इसे खा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, कोरोना है तो प्लीज़ घर पे रहिए और सेफ रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।